प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा संधि। संस्कृत का पीरियड संधि है। संधि जो शब्द है, संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु, वैसे दुढ़ांग वैसे धातु होते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखा धा, धा धातु में ध्यो की सूत्र से ई प्रत्यय लेकर की। समझो इस विद्यार्थी, इस बात को समझो कि संधि जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और द्योकी सूत्र से ई प्रत्यय लेकर के ये शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपसी मेल, आपस में मिलना, आपस में एक होना, इसको कहते हैं संधि। संधि का अर्थ हुआ ही। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, परिभाषा। प्रिय विद्यार्थियों, परिभाषा संस्कृति में क्या होती है संधि की, कि द्योवर्णियों दो वर्णों का परस्परम आपस में मेलनम मेल या संधान होता है वह संधि कहलाती है। अपन हिंदी में कहें उसको तो ये कह सकते हैं कि दो वर्णों का जब परस में आपस में मेल या संधान होता है उसको संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ, संधि की परिभाषा। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी कि संधि होती कितने प्रकार की है। संधि के बारे में बात करें कि संधि होती कितने प्रकार की हैं, तो उससे पहले अपन ये भी जांच कर लें कि संधि जैसे तीन प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की जो संधियां हैं उनका, जैसे स्वर संधि है पहला, तो पहला जो भेद है इसका स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच। अच का मतलब है कि स्वर संधि में स्वर वर्ण ही काम आते हैं, स्वर वर्णों की जगह स्वर वर्ण ही काम आते हैं, इसलिए इसका नाम अच रखा है। दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। हल प्रत्याहार में मतलब पूरे व्यंजन वर्ण ये काम आते हैं, इसलिए इसको हल संधि के नाम से भी जाना है, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग आपको कोष्ठ में दिख रहे हैं दो बिंदी ऊपर और नीचे, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि जैसे र का लोप होना, ओ का लोप होना विसर्ग के माध्यम से, तो ये विसर्ग संधि है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना ये जो टॉपिक है इसको समझे, फिर से समझ लें एक बार कि संधि जो शब्द है ये सम उपसर्ग धा धातु ध्यो की सूत्र से ई प्रत्यय लेकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपसी मेल या आपस में मिलना, ये हुआ इसका अर्थ। नंबर दो है परिभाषा कि द्योवर्णियो दो वर्णों का परस्परम मेलनम संधानम वा भवति, आपस में मेल या संधान होता है, सह संधि कथ्यते वह संधि कहलाती है। आगे जो बात बताई है कि मुख्य रूप से संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला है स्वर संधि जिसका दूसरा नाम है अच, दूसरा है व्यंजन संधि जिसका दूसरा नाम है हल, और तीसरा है विसर्ग संधि जिसका नाम है ये जो कोष्ठ में दे रखा है ऊपर नीचे बिंदी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है अपना इतना ही रहेगा, आगे जो बिंदु रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आगे प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू।